आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हो, अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा हिलता है, आपका हाथ सही नहीं रह पाता वीडियो शूट करते टाइम, तो आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप चाहे आपका वीडियो के अंदर कितना भी ज़्यादा वीडियो हिल रहा हो, आप एक ही क्लिक का इसे ठीक कर सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आप इसे एक ही क्लिक पर ठीक कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो इसका प्रोसेस कैसा है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप स्मार्टफोन से वीडियो शूट करते हो ऐसे ही रील्स के लिए, तो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपका जो स्मार्टफोन है बहुत ही ज़्यादा हिलता है, तो वो वीडियो भी डेफिनेटली आपको शेक ही देखने को मिलेगा, यानी हिलने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप एक ही क्लिक पे वीडियो कितना भी ज़्यादा हिल रहा हो, तो आप एक ही क्लिक पे आप इसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है, और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको क्या करना है, गूगल फोटोज जिसे आप करोगे ये ऐप आ जाएगा, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। तो किसी किसी फोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, तो अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो बात करूं अगर इसकी सिक्योरिटी की, तो ये जो ऐप है गूगल का ऐप है, तो आप इसके ऊपर आग बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो जैसे आप ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है इसके साथ लॉगिन करने के लिए, तो जैसे आप अपने ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने वीडियो और फोटो आ जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप स्टेबलाइज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो तो ये शेक कर रहा है, हल्का फुल्का ये शेक कर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एकदम बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एडिट का ऑप्शन, तो जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो स्पीकर के साइड पे एक लोगो आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबलाइज हो रहा है, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा, जितना ज़्यादा आपका जो वीडियो है उतना ज़्यादा आपको टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी का जो वीडियो है वो कितना स्टेबलाइज है। तो ऐसे करके आप अपने किसी भी वीडियो को आप स्टेबलाइज कर सकते हो। और एक वीडियो को मैं आपको स्टेबलाइज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि जिस भी वीडियो को आप स्टेबलाइज करना चाहते हो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है, और एडिट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। तो वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे एक स्टेबलाइज जैसा कुछ लोगो आ रहा होगा, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये स्टेबलाइज होने लगेगा। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को देख सकते हो, एक कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया, मतलब उतना ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो इसके ऊपर जैसे आप एक्सपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो फाइल है वो सेव होने लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है वो सेव हो चुका है। तो ऐसे करके इस ऐप के जरिए आप किसी भी वीडियो को आप स्टेबलाइज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना।